भदोही पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को बड़ी सौगात दी। कारपेट एक्सपो मार्ट में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार जिले में 1200 करोड़ की लागत से कूड़े से बायोफ्यूल बनाने का प्लांट स्थापित करेगी, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। बायोफ्यूल का यानी जिसमें गांव में जैसे आप लोग गेहूं काटते होंगे, धान काटते होंगे, तो उसका जो पुआल बचता है, जो अन्य खरपतवार बचता है, या कस्बे में आप सफाई करते हैं, सफाई करने के बाद जो कचरा हो जाता है, इस कचरे से, उस पुआल से एक नया फ्यूल, एक नया बायोफ्यूल हम लोग तैयार करने के लिए नए संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। और मैं उस पूरी जमीन का मुआयना कराऊंगा और मेरा प्रयास होगा या तो चीनी मिल चलेगी और या फिर बायोफ्यूल का 1200 करोड़ रुपए का एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बनेगा, जिसमें हजारों नौजवानों को नौकरी यहाँ पर मिलेगी। जनसभा में मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, वो बताएं उन्होंने दलित के लिए क्या किया। बीजेपी बिना भेदभाव के सबका विकास कर रही है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हैं, पूछा जाना चाहिए उन लोगों से कि उनके शासनकाल में कितने दलितों और कितने वंचितों को आवास मिले थे, कितने गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिले थे, कितने दलित और कितने वंचितों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिले थे, कितने गरीब और दलितों की इज्जत की रक्षा करने के लिए उनके घरों में व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध कराने का कार्य हुआ था। अगर आप पाएंगे तो उनका स्थान जीरो में आएगा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में इतने साल शासन करने के बाद भी कांग्रेस वो नहीं कर पाई जितना मोदी सरकार ने पिछले 4 साल में किया। सरकार ने, कांग्रेस ने देश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक शासन किया। 55 वर्षों तक कांग्रेस का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश के अंदर शासन था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा, इन्होंने देश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक शासन किया। लेकिन जितने दिनों तक इन्होंने शासन किया, उतने दिनों में जितनी भी योजनाएं लोग लागू नहीं कर पाए, अकेले केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार 4 वर्ष में उसने भी कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आई। भदोही की कालीन और हस्तशिल्प का जिक्र करते हुए सीएम ने दावा किया कि कालीन उद्योग के प्रोत्साहन के लिए जो भी आवश्यकता पड़ेगी सरकार उसे पूरा करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट।